दिल्ली के तीनों नगर निगमों का विलय करके फिर से एक बना दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही कैबिनेट ने रॉ जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 250 रुपये बढ़ा दिया है। क्या कुछ निकल कर आया है कैबिनेट की बैठक में, से संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी बता रहे हैं। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले हुए हैं। जो पहला फैसला है वो रॉ जूट पर एमएसपी से संबंधित है, जिसमें कैबिनेट ने क्रॉप सीजन 2022-23 के लिए नया एमएसपी तय किया है, जिसमें 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। जो नया एमएसपी है वो 4,750 रुपये पर क्विंटल तय किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि किसानों को फायदा होने जा रहा है। सरकार ने अपने बयान में ये कहा है कि नई एमएसपी डिसाइड करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि 2018-19 का जो फैसला था, इसमें जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर जो एमएसपी है वो करीब करीब 2.5 गुना होना ही चाहिए, उसको मद्देनजर रखा गया है। और जो नई दरें हैं उसके हिसाब से किसानों को करीब 60.53% का रिटर्न जो है वो हासिल होगा। जो दूसरा फैसला लिया गया है आज की बैठक में, वो दरअसल फर्टिलाइजर प्लांट से संबंधित है, जिसमें फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था और इस बात की मांग की थी कि जो नई न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 है उसके दायरे को बढ़ाकर जो नए फर्टिलाइजर प्लांट्स बन रहे हैं, जो गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स हैं, उसको भी इसका फायदा दिया जाए। कैबिनेट ने उस पर भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड यानी कि HURL जो है उसको इसका फायदा होगा और प्लांट्स को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। आपको जैसा कि पता है कि HURL एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है NTPC, IOC और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में, जो कि पुराने प्लांट्स को गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स के तौर पर तब्दील कर रहा है। चलिए, इसी के साथ स्वदेश खबर में इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।